विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और वहां से बसपा ने बाजी जीत ली है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी अपने प्रत्याशी उतार भी नहीं पाई है। इससे पहले बसपा ने अपना प्रत्याशी ला करके सबको चौंका दिया है। नेता चड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इससे पहले 4 चुनाव बसपा की ओर से लड़ चुके हैं, हालांकि उसमें हार का सामना करना पड़ा था। 5वीं बार जो है वो विश्वास जताया है मायावती ने, जानेंगे सर आपके ऊपर 5वीं बार विश्वास जताया है बसपा सुप्रीमो ने, आखिर क्या खासियत ऐसी आपके अंदर है जो उन्होंने विश्वास जताया 5वीं बार? नहीं, खासियत तो मुझ में कुछ नहीं, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 5वीं बार भी मुझ पर विश्वास जताया और कुंदर की विधानसभा पर आशीर्वाद दे के भेजा, तो मैं बहुत तहे दिल से बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और कुंदर की पब्लिक जनता से सहयोग की उम्मीद रखता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे ही नेताओं ने मेरा साथ दिया है बसपा में और मेरे साथ रहता है पूरा संगठन, और मैं परसों नामांकन कराने की सोच रहा हूँ, उसके बाद कुंडरकी में घर घर जाकर अपील करूँगा, वोट मांगूंगा। मुझे उम्मीद है इस बार 3 साल का बेड़ा पार हो, संघर्ष लगातार 4 बार किया है वो बेड़ा पार होने की पूरी उम्मीद रख रहे हैं। पहले संभल में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उससे पहले 96 में लड़े थे, 12-17 में लड़ा, फिर 22 में लड़ा अभी अस्मोली से, इसके बाद क्या इससे हटकर देखते हैं, बिल्कुल इन 4 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़ चुके हैं, 5वीं बार यहाँ से लड़ना है, तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है, क्या फर्क कुंदर की दिखाई देता है? मेरे लिए कुंदर की हो या अस्मोली हो या संभल, मैं तो सब अपनी ही विधानसभा समझता हूँ, क्योंकि लोकसभा में मैं जो भी चुनाव लड़ा पार्टी से, चाहे वो कोई भी लड़ा हो, उसके साथ पूरी 4 विधानसभा 5 में रहता था, वो 5 ही विधानसभा में इतने ही लोग मुझे जानते हैं अल्लाह के हुक्म से, और मैं किसी से छुपा हूँ नहीं, कुंदरकी भी मेरे लिए इतनी, संभल भी इतना, अब मैं कुंदरकी में ही मेहनत करूँगा और कुंदरकी की पब्लिक के लिए खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका मिला तन मन धन से उसके साथ कम और कुछ। तो अभी हम बात कर रहे थे नेता चड्डा से, जो कि अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हालांकि नामांकन कराएंगे, अभी ये भी देखा जाना है कौन कौन से सीटों पर, उस सीट पर भाजपा और सपा जो है कौन से प्रत्याशी उतारने वाले हैं। संभल से स्वागत, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया।